केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट जाएगी, ये सूत्र बता रहे हैं। कल दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है ईडी, ये जानकारी दे रहे हैं सूत्र। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से शाम को जमानत मिली है और अब खबर है कि ईडी इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल आरोपी हैं। ईडी ने अपने याचिका में केजरीवाल को शराब घोटाले का किंग पिन बताया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते और दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी इस पर बनती है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के चंदे में जो पैसा मिला वो भी लॉन्ड्रिंग का पैसा था और उसका भी गोवा चुनाव में गलत इस्तेमाल किया गया, ये भी ईडी ने आरोप लगाया है। अब शराब घोटाले से जुड़ा ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें कई गिरफ्तारियां इससे पहले भी हुई और अब उनको जमानत मिल गई। ये बहुत बड़ी खबर है और मैं पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस खबर से खुश है, उत्साहित है। अरविंद केजरीवाल जी का पूरा परिवार इस निर्णय से बहुत खुश है और इस देश के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, उनको जमानत मिली। शिशु से कहा है एक न एक दिन सच्चाई की जीत होगी, बिल्कुल वही हुआ। सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साजिश रचने वाले सभी लोगों के मुंह कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा है। यह सच्चाई की जीत तो है ही, यह झूठे के मुंह पे काली भी पोतने के बराबर है। आप समझ लीजिए आज ही तो कल सबको बाहर आना है, सबको बेल मिलनी है, सभी बाहर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की के चेहरे पे काली पुती है और सच्चाई की जीत। मैं यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पटाखे जलाकर यानी कि आतिशबाजी करके यहाँ पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, इस फैसले पर काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज ये साबित हुआ जो अरविंद केजरीवाल डे वन से कह रहे हैं। कार्यकर्ता है वो इस खुशी में अपने जोश को, जोश और उमंग में भरे हुए हैं और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पर उनको काफी खुशी है। कैमरा पर्सन विजय के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस दिल्ली। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ जल्दी से आपको ये बताते हैं। देखिए सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, राउज एवेन्यू कोर्ट से ये जमानत मिली है। 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ये जमानत दी है। कल शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे केजरीवाल। ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा कोर्ट से, कोर्ट ने 48 घंटे का ईडी का समय देने का आग्रह खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक्स पर लिखा, अदालत पर भरोसा है, केजरीवाल जी को जमानत, सत्य की जीत। सूत्र बताते हैं कि कल ईडी इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जा सकती है और राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकती है। तो केजरीवाल से जुड़ा यह पूरा मामला क्या था, किस केस में उन्हें जमानत मिली, अब यह समझिए। देखिए दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल आरोपी हैं। ईडी ने उन्हें आरोपी बनाकर 21 मार्च को पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार किया। 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ भेजा गया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए छूट मिली थी। 1 जून तक जेल से बाहर रहकर प्रचार की छूट मिली थी। चुनाव खत्म होते ही 2 जून को तिहाड़ में जाकर उन्होंने सरेंडर किया था। केजरीवाल को अब राउज एवेन्यू कोर्ट से रेगुलर बेल मिली है। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास सबूत नहीं है। तिहाड़ जेल में कुल 58 दिन रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और इस पर बात करने के लिए देखिए हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं पीयूष, क्योंकि केजरीवाल और हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी, लेकिन संजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। उस मुहिम पर, उस गंदी साजिश पर न्यायपालिका का तमाचा पड़ा है। ये सत्य की विजय है। हम बार बार कहते हैं कि ये तथाकथित शराब घोटाला, इसका ना सिर है ना पांव है, ये झूठ की बुनियाद पे तैयार किया गया है। इस पे ना कोई तथ्य है ना प्रमाण है, ये झूठ की बुनियाद पे तैयार किया गया है। और आज जो फैसला आया है इससे न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में आस्था और विश्वास और मजबूत होगा।
आज जो फैसला आया है इससे देश के लोगों में खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। अभी मैं केजरीवाल जी के परिवार से मिला, कह रहे हैं बहुत उत्साहित है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और ये सत्य की जीत है, संजय सिंह ये कहते हुए। और जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन कुमार कुंदन, जितेंद्र भाटी और पीयूष पांडे, तीन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, तो एक बड़ी यहां पर राहत आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन मैं कानूनी पक्ष आपसे जानना चाहूंगा, ये कितना बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का? बिल्कुल गौरव, देखिए बहुत अहम है कि उन्हें नियमित जमानत अदालत ने प्रदान कर दी है। चूंकि आप अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 को देखें तो उसमें सीधे तौर पर सेक्शन 45 के सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जब तक उचित आधार नहीं होगा ये स्पष्ट होने का कि जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है वो आरोप स्पष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जमानत प्रदान की जाएगी। तो यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान की थी तब सेक्शन 45 पर बहस नहीं हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि अगर हम सेक्शन 45 के तहत जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा केस ही कमजोर पड़ जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो जमानत दी है वो कितनी अहम है। मैं अब आम आदमी पार्टी के लिहाज से जीत आपसे समझना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी जीत है? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी इस जीत को इस तरीके से ले रही है कि अभी तक देखिए पीएमएलए का मामला, ऐसे पीएम मत मानिए कि अरविंद केजरीवाल जेल में है और वहां से उनको जमानत मिल गई, लेकिन क्योंकि मामला पीएमएलए का है और आमतौर पर माना जाता है कि पीएमएलए के मामले में निचली अदालत से ऐसे राहत नहीं मिलती है, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। क्योंकि संजय सिंह को राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से मिली, अरविंद केजरीवाल को मिली सुप्रीम कोर्ट से मिली, हालांकि मनीष सिसोदिया को नहीं मिली। तो इस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से जुड़ के इस मामले को देखिए, बल्कि तमाम उन विपक्ष के जो नेता हैं जो कि इस वक्त जेल में बंद हैं उन सबके लिए संजीवनी बूटी की तरह है, उनके लिए रास्ता खुला है। क्योंकि पीएमएलए का मामला है और जिस तरीके से लगातार 2 साल से एजेंसी कैरी घोटाला हुआ, अलग अलग आंकड़े दिए गए लेकिन 1 रुपए की भी बरामदगी नहीं हुई। आज भी जो इस मामले में सुनवाई हो रही तो ईडी की तरफ से जो एसजी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि उनके पास पक्के सबूत है, ईडी हवा में नहीं बोल रही है, लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलों को ठुकरा दिया। अब ईडी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी, हालांकि आज भी आग्रह किया गया था कोर्ट से कि आप 48। यही सवाल मेरा कुमार कुंदन से। कुमार, अभी देखिए ईडी कह रही है कि 48 घंटे का वक्त हमें दीजिए, नहीं दिया कोर्ट ने, लेकिन फिर से वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ईडी ने ऐसे कई गिरफ्तारियां की है, क्या ये मामला उन सभी गिरफ्तारियों में नजीर बन सकता है और ईडी के लिए कितना बड़ा झटका माने इसको? देखिए ईडी के लिए तो बड़ा झटका है, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से उनका दावा था कि सभी तार को हमने जोड़ के अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में एक तरीके से आरोपी बनाया है, ऐसे में जिस तरीके से वैकेशन बेंच ने इतना बड़ा फैसला वो भी एक ऐसे मामले में दिया है जिसके मामले में माना जाता है कि लोअर कोर्ट से तो बेल मिलती ही नहीं है, लेकिन अगर लोअर कोर्ट से बेल मिल रही है तो निश्चित रूप से ईडी के लिए बड़ा झटका है। शायद यही वजह है कि ईडी जाने की तैयारी कर रही है हाईकोर्ट और वहाँ से अपनी गुहार लगाएगी। लेकिन हार जीत की अलग बात है, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, खास करके तब गौरव जब आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उनके मुखिया और संयोजक जेल से रिहा होने वाले हैं। तो एक तरीके से देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत, ईडी के लिए बड़ी हार, लेकिन इन सब के बीच हमारी नजर हाईकोर्ट पे होनी चाहिए। हाईकोर्ट इस पूरे मामले को किस तरीके से देखता है ये देखना दिलचस्प। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुमार, बहुत शुक्रिया आपका। जीत आपका बहुत शुक्रिया, पीयूष आपका बहुत शुक्रिया। आप सबकी नजरें दिल्ली हाईकोर्ट पर होगी जहां ईडी जा रही है इस जमानत का विरोध करने।